Yay, Sine KG class! Today we are going to do my favorite story, Thumbelina. Thumbelina, does that word thumb, umb, th, umb, does it remind you of something? Yes, it reminds you of your thumb, anguta. So, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था Thumbelina. Can you see? Yes, she's so sweet and so cute. Okay, right? Now it's a comic story. This is a graphic story. I have explained you once before with the monkey Champak, Monkey King Champak story, that in a graphic story, it's a comic strip where there are characters and they speak in these clouds. That means they converse with us through a dialogue. Okay, so this is the graphic story about a small little girl, a tiny little girl, the size of a thumb, whose name is Thumbelina. Once a woman lived alone. She had no children. See, you can see, this woman stays alone. She had no children. Unke bacche nahi the. And she thinks to herself, I wish I had a baby girl. She thought and thought and she wished as she was knitting. Can you see? She is using her knitting needles and she's thinking, I wish I had a little baby girl. She, one day when she was sad, a fairy came there. Why are you sad? What do you want? The fairy asked her. I wish to have a baby girl. एक दिन उनके सपने में उनके पास एक परी आती है और पूछती है, आप इतने दुखी क्यों हो आंटी, आपको क्या चाहिए? तो आंटी बोलती, आई विश मेरे पास एक छोटी सी बेबी होती. राइट, सो व्हाट डिड द फेरी डू? द फेरी हैड अ लॉट ऑफ मैजिकल पावर्स. शी हैड मैजिकल पावर्स, दैट मीन्स शी कुड डू मैजिक. शी गिव्स द लेडी अ सीड. Okay, and she says, take this seed, plant it in a pot and water it daily. Thank you, said the lady. तो जो परी है ना, वो क्या करती है, उसको मैजिक आता था तो वो एब्राकाडाब्रा गिली गिली छू करके एक मैजिकल सीड देती है उस लेडी को और बोलती है कि इसको पॉट में डालो, ठीक है, गमले में डालो और रोज पानी देना. सो व्हाट डिड द वुमन डू? द वुमन प्लांटेड द सीड एंड वॉटर्ड इट डेली. वाओ, इट लुक्स लाइक अ ट्यूलिप प्लांट. राइट, तो कुछ दिन पानी देने के बाद उस लेडी ने नोटिस किया कि उसमें से एक पेड़ निकल रहा है और एक ट्यूलिप का पेड़ दिख रहा था, छोटा सा पौधा. ट्यूलिप करके एक फूल होता है कमल के जैसा, बट ये जमीन पे निकलता है और ये जनरली ऐसे बंद होता है. सो वो बड़ा होके उसमें से फ्लावर निकलने लगा. एंड द प्लांट हैड अ ब्यूटीफुल फ्लावर. वी आर ऑन पेज 103. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. टर्न द पेज. ये व्हेन द वुमन टच्ड द फ्लावर, व्हाट हैपेंड? The petals opened and a tiny girl came out of it. जब उसने फूल को हाथ लगाया तो वो petals suddenly खुल गए और उसमें से छोटी सी लड़की निकली. देखो देखो कितनी प्यारी, क्यूट, एकदम सिर्फ उनके थम की साइज की थी. ओके, ओ यू आर जस्ट एज स्मॉल एज माई थम. आई विल कॉल यू Thumbelina. The woman loved Thumbelina and took good care of her. I love you, Mom. देखो, Thumbelina को वो लेडी बहुत प्यार से संभालती थी और Thumbelina सोचती थी कि यही मेरी मम्मी है. देखो, Thumbelina के लिए छोटा सा बेड बनाया है अखरोट के अंदर, inside a walnut. I love you, Mom. Thumbelina would always sit by a pond alone. I wish I had a friend to play with. Thumbelina हमेशा एक छोटे से पॉन्ड के किनारे बैठ जाती थी और बोलती थी, काश मेरा कोई दोस्त होता खेलने के लिए.
हाँ देखो इतनी प्यारी वो सोच रही है. वन डे व्हेन शी वाज एट द पॉन्ड क्रॉक क्रॉक अ फ्रॉग केम टू हर. क्रॉक क्रॉक हे लिटिल गर्ल विल यू बी माय सन्स फ्रेंड. तो ये फ्रॉग आता है, ये फ्रॉग किंग था उधर का, वो पूछता है थंबलिना क्या तुम मेरे बेटे की दोस्त बनोगी. तो थंबलिना डर गई क्योंकि राजा कितना बड़ा और अगली था. क्रो क्रो यू आर बिग, योर सन विल बी बिग टू, आई कैन नॉट बी योर सन्स फ्रेंड. थंबलिना कहती है आप खुद इतने बड़े हो और आपका बेटा तो आपसे भी बड़ा होगा, मैं आपके बेटे की दोस्त नहीं बन सकती. नो आई के नॉट. द फ्रॉग वॉज एंग्री. फ्रॉग तो राजा था सारे फ्रॉग्स का, उसे बहुत गुस्सा आता. ही वॉज एंग्री. एंग्री मतलब गुस्सा आता है. फिर क्या हुआ, वन नाइट व्हेन थंबलिना वॉज स्लीपिंग द फ्रॉग केम टू हर हाउस. एक दिन जब थंबलिना आई थी तो वो जो क्रोक क्रोक फ्रॉग है ना, तो वो उनके घर में घुस गया. क्रोक क्रोक आई विल टेक हर अवे नाउ एंड मेक हर अ फ्रेंड ऑफ माय सन. तो वो फ्रॉग्स बोलते हैं मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ और मैं इसको मेरे बेटे का दोस्त बना के ही रहूँगा. द फ्रॉग टुक थंबलिना टू हर होम इन अ पॉन्ड. See, he picked Thumbelina on his back. वो उसका पूरा बेड है ना अखरोट का, वही उठा लेता है और फटक फटक जंप करके गुटरू डरो डराओ डराओ करके क्रोक क्रोक करके भाग जाता है. When Thumbelina woke up, she found the frog's son sitting beside her. ये देखो जब वो उठी तो वो फ्रॉग के अड्डे पे पहुंच चुकी थी घर पे, और वहां पे वो जो किंग था फ्रॉग का उसका बेटा बैठा था. Hi, pretty girl. Let us be friends. Croak, croak. He said, Hi, pretty girl. हम दोनों दोस्त बन जाते हैं. और थंबलिना डर जाती है. No, I can't be your friend. I want to go to my mom. I can't be your friend. I want to go back. थंबलिना डर गई, रोने लगी. मुझे मम्मा के पास जाना है. थंबलिना ran fast, sat in a leaf boat, and started drawing away. थंबलिना ने क्या किया, वो वहाँ से बाहर भाग गई और एक पत्ते की बोट थी ना उसमें बैठ गई और वो चप्पू से वो बोट चलाने लगी. रो 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 या बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम. भागो 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 भागो, मेरे पीछे फ्रॉग आ रहा है. अ स्वॉलो केम टू हर. फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक बहुत प्रिटी बर्ड था स्वॉलो, वो आता है और उसको पूछता है यू लुक सैड, चुप 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 चुप, यू लुक सैड थंबलिना. Come with me. I will take you to a beautiful place. You will be happy there. चलो मैं तुमको एक बहुत खूबसूरत जगह पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आप खुश रहोगी. So let's turn from page 105 to page 106. Sitting on the swallow's back, Thumbelina flew to a beautiful place. Wow, what place is that? देखो. स्वॉलो अपने पीठ पे थंबलिना को बिठा के कितनी खूबसूरत जगह पे लेके आया. इट्स अ कैसल, कैन यू सी, इट्स अ कैसल. आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ प्रिंस लिविंग देयर. व्हाट डू यू थिंक? यस यू आर राइट. द स्वॉलो ब्रॉट हर टू अ टाइनी पैलेस. द पैलेस वॉज नॉट बिग, इट वॉज स्मॉल. चुप चुप थंबलिना, This is the house of the king of flowers. You can go in. तो वो थंबलिना को एक छोटी सी पैलेस में लेके आया और बोलता है कि यहाँ पे फूलों के राजा रहते हैं, आप अंदर जा सकती हो. थंबलिना went inside the palace and found a handsome prince as tiny as her. हाँ, उसे एक प्रिंस मिल गया जो उसके जितना ही छोटा था. हाय थंबलिना, माय नेम इज पॉइंटर, विल यू बी माय फ्रेंड.
You know, point your finger, right? Thumbelina and pointer. Are you getting it? Thumbelina, girl. Pointer, king of flowers. Oh, sure. I'll be happy to be friends with you. Pointer बोलता है आप मेरी दोस्त बनोगी. Thumbelina ने जब से कह दिया yes. She and Pointer had a lot of fun together, playing, singing and dancing. One day Thumbelina was sad. Why are you sad, my princess? I miss my mother. I want to go back home. तो थंबलीना और पॉइंटर प्रिंस वॉकिंग बहुत खेलते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद थंबलीना को अपने मम्मी की याद आने लगी. तो बोलती है, आई मिस माई मदर, आई वॉन्ट टू गो बैक होम. राइट, पॉइंटर वॉज अ वेरी नाइस किंग. ही सेड, ओके, लेट अस टेक स्वालोज हेल्प टू फ्लाई टू योर होम. पॉइंटर टुक थंबलीना टू हर होम. पॉइंटर वॉज वेरी नाइस. द किंग सेड, हम स्वालो के ऊपर बैठते हैं और हम आपके घर चलेंगे. ये कैन यू सी? ओके, सो दोनों स्वालो के ऊपर बैठे, थंबलीना एंड पॉइंटर किंग, एंड दे फ्लाई टू हर होम. लुक लुक, दैट्स माय होम. हर मदर वाज वेरी हैप्पी टू सी हर. ओह डियर थंबलीना, यू हैव कम बैक, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड. और थंबलीना भाग के अपने मम्मी के पास जाती है. देखो देखो, पॉइंटर भी छोटा है, थंबलीना भी छोटा है, और मम्मी कितनी बड़ी दिख रही है. वो उसको जोर से गले लगाती है. पेज 107 टू पेज 108. नाउ दैट्स इट. सो थंबलीना गोज एंड मीट्स हर मदर अगेन एंड शी इज हैप्पी. कुछ दिन वो मम्मी के पास रहती है और फिर से थंबलीना अपने किंग ऑफ फ्लावर्स के साथ जो फ्लावर्स का देश है ना, वहाँ पे चली जाती है. सच स्टोरीज आर कॉल्ड फेरी टेल्स. ओके, ये कहानी है, इसको सिर्फ कहानी की तरह सुनना है और इंजॉय करना है. और आपको याद है ना, ऐसी कहानी जिसमें डायलॉग्स होते हैं, ऐसे पिक्चर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और हर पर्सन अपना अपना डायलॉग हर कैरेक्टर बोलता है, उसे कहते हैं कॉमिक स्टोरी या ग्राफिक स्टोरी. डिड यू एंजॉय इट? बाय बाय.